हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूँ आपके साथ उज्ज्वला। भाई, बॉलीवुड की शादियां तो बहुत ही ज्यादा फेमस अपने आप में बिल्कुल हो जाती है जैसे ही अनाउंसमेंट होती है कि आपके फेवरेट स्टार जो हैं आप शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। हालांकि अगर शादी की बात की जाए तो अंबानी की शादी तो भाई अपने आप में देखने लायक थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी बॉलीवुड की शादियों की बात आती है तो अक्सर ये शादी प्राइवेट रखने की बात की जाती है। ऐसे में आजकल जो सबसे ज्यादा धुएंदार शादी की बात हो रही है वो है विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी। हालांकि इस बात की अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी शादी के चर्चे हर किसी की जबान पर और बॉलीवुड गलियारों से आए दिन इस शादी को लेकर कोई ना कोई बात सामने आती रहती है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि शादी को प्राइवेट रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा। ऐसे में बात यह भी सामने आई है कि नो फोन पॉलिसी भी ये दोनों अपनी शादी में रखने वाले हैं, यानी कि आप इनके शादी में अगर जा रहे हैं, अगर इनवाइट है तो चाहे आप कितने भी बड़े स्टार हों, आप फोटो नहीं खिंचवा सकते, आप कोई फोटो लीक नहीं कर सकते। हालांकि बात ये भी सोचने लायक थी आम दर्शकों के लिए कि भाई ऐसा क्या इनके शादी में स्पेशल होने जा रहा है कि इनकी फोटोज लीक नहीं हो रही, इनकी बातें जो है शादी की जो सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं वो अब तक पब्लिक के अंदर ऑफिशियली नहीं अनाउंस की गई। इसके पीछे का रीज़न आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। आखिर विकी कौशल कटरीना कैफ कौन सी ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं जिसकी वजह से शादी को इतना ज़्यादा प्राइवेट रखा जा रहा है। अगर आपको लगता है कि कटरीना और विकी कौशल के शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक हो सकती हैं तो शायद आपका अंदाजा गलत हो, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विकी कैट ने अपनी शादी की तस्वीरों के राइट्स एक इंटरनेशनल मैगजीन को बेच दिए हैं। यहां तक कि कटरीना और उनकी टीम इस मैगजीन के इंडियन एडिशन से जल्द ही फाइनल डील भी करने वाली है और इसके लिए उन्हें मोटी रकम मिली है। जहां रिपोर्ट सामने आ रही है, जब कटरीना और विकी अपनी शादी में मेहमानों के सामने नो फोन पॉलिसी रखने को लेकर चर्चाओं में है। विकी कैट के 9 दिसंबर को राजस्थान में 7 फेरे लेने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि कपल शादी में मेहमानों से NDA साइन करवाएगा, यानी कि नो डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ताकि वो शादी से जुड़े फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर न कर पाए। वैसे विकी कैट अकेले ऐसे सेलेब्स नहीं है जिन्होंने अपनी शादी की तस्वीरों के राइट्स किसी मैगजीन को करोड़ों में बेचा हो। इससे पहले प्रियंका चोपड़ा ने दिसंबर 2018 में निक जोनस से शादी की थी, तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। रिपोर्ट्स की माने तो पीपल मैगजीन को 2.5 मिलियन $ में तस्वीरों के राइट्स बेचे जाने थे। इसके अलावा उन्होंने हेलो मैगजीन को भी कुछ फोटोज बेची थी। यानी कि सारा का सारा मामला पैसों का मामला है, जिसकी वजह से विकी और कटरीना कैफ इतनी ज्यादा परेशानियां झेल झेल कर आप लोगों से बचा बचा कर ये सब चीजें अपनी पर्सनल रख रहे हैं। लेकिन आपको इस बारे में क्या कहना है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप इनकी शादी के लिए कितने एक्साइटेड हैं ये भी जरूर हमें मेंशन कीजिएगा। देख रहेगा हिंद भारत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।